वापस आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपने चैनल से रिलेटेड। काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी कि बहुत सारे चैनल हैक हो रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स नहीं बच रहे, छोटे छोटे चैनल्स भी जा रहे हैं एंड ऑल। सो ये न्यूज काफी ज्यादा फट गई मेरी, मैं सिर्फ बता रहे वाली बात मेरी काफी ज्यादा फट गई। ऑब्वियसली काफी ज्यादा लोग ये भी सोचेंगे कि मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तब भी मैं इस चीज के ऊपर क्यों सोच रहा हूँ, बट स्टिल चांस मेरे को नहीं लेना। अभी सीन ये है कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर हैं, बट इनको 3000 बनाने के अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगी। आप लोगों को भी ये बात पता होगी बिकॉज काफी ज्यादा मुझे लोग बोलते भी हैं कि यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल। इतने सब्सक्राइबर करने में भी काफी ज्यादा मुझे मेहनत लगी और वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी यार। मतलब मैं दिल से भी थैंक यू बोल लूं ना तब भी बहुत कम है। मतलब आप लोग यार लोगों को शेयर करते हो, लाइक करते हो, काफी ज्यादा बड़ी चीजें हैं। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो कि जिससे मैं और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता रहूं। ये भी काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट फॉर द सेफ साइड मैंने सोचा कि एक सेकंड चैनल मैं बना लूं। अगर ये मान लो कभी चैनल हैक भी हो गया और उसने डिलीट कर दिया है, फिर यूट्यूब ने कभी सुना नहीं, बिकॉज 3000 सब्सक्राइबर वाले चैनल की क्या ही औकात है, ये तो तुम लोगों को भी पता है। मैं मानता हूं इस चीज को मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, बट रियालिटी यही है, रियालिटी को हमें फेस करना पड़ेगा। अगर मेरा चैनल हैक हो गया, फिर किसी भी वजह से चला गया मेरा चैनल, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं खत्म हूं उसके बाद में। सो आप जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चैनल पे और चीजें नहीं आएंगी, उस चैनल पे मैं ब्लॉग्स डालूं, उस चैनल पे मैं कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ फनी स्किट्स डालने की कोशिश करूंगा और उसके अंदर मैं अपनी ई-स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताऊंगा, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो मैंने गेमिंग जर्नी के अंदर पूरा सीखा, गेमिंग जर्नी ने मुझे क्या सिखाया और मेरी गेमिंग जर्नी कैसी रही, स्पोर्ट जर्नी मेरी कैसी रही। सो अभी तक मैंने इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। आप चाहो तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं वहां पर और क्या बनाऊं, आप वहां पर गेमिंग से हटकर क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते। सो अब जो हमारी मेन वीडियो है वो है टीम सर्च के ऊपर, हम लोग अब उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे हफ्ते के अंदर 10 से 15 डीएम्स तो आ ही जाते हैं टीम से रिलेटेड कि मेरे पास टीम नहीं है, मेरी हेल्प करो टीम बनवाने में एंड ऑल। तो इसलिए मैंने क्या किया था, जब मेरे 300-500 सब्सक्राइबर्स थे, मतलब ये कोई भी नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे, मैंने अपने तरफ से ट्राई किया कि आप लोग कमेंट के अंदर लिखो कि मुझे टीम चाहिए एंड ऑल। जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा वो बात करेगा। बहुत सारे बंदों को ऐसी टीम्स मिली है यार, मतलब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, बहुत सारे बंदों को ऐसी टीम्स मिली है। डिस्कॉर्ड के अंदर बंदे लिख देते हैं कि ये सब उनको हेल्प होती है, वो लोग खुद पर्सनल में बात कर कर आके अपनी टीम्स उन लोगों ने बनाई है। मतलब काफी ज्यादा लोगों को इसके अंदर हेल्प भी मिली है। बट मेन चीज ये भी है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है टीम। मतलब ज्यादातर लोगों को ये चीज लगती है कि मैं एक बंदा हूं, जैसे मैं हूं, मुझे एक टीम चाहिए, बट जिन जिन टीमों के अंदर मैं जा रहा हूं जो रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं मेरी, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मुझको भी अपने आप को काफी ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत है कि जिससे मैं एक अच्छी टीम को ज्वाइन करूं तो मैं भी एक बोलते नहीं एक बहुत अच्छा प्लेयर हूं, जिससे सामने वाले की है ना नेसेसिटी बढ़े कि अरे इस बंदे को लो। अपने अंदर भी हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। आप एक सोलो प्लेयर हो और अगर सामने एक टीम है जिनको एक मेंबर चाहिए, तो उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आप एक चीज को इस चीज को समझो, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को प्रैक्टिस करके अपने आप को अच्छा प्लेयर बनाने के लिए भी और एक अच्छी टीम को ज्वाइन करने के लिए भी। ज्यादातर जो टीम्स होती है ना वो हमेशा एक स्पेसिफिक रोल का बंदा ढूंढती है, वो ऐसा असॉल्टर ढूंढ रहे हो जो एंट्री फ्रैगिंग लेगा, जो काफी ज्यादा एग्रेसिव खेलेगा, बट आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलते हो। तो वही बात है, एक स्पेसिफिक रोल आप लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा अपने लिए एक स्पेसिफिक रोल डिसाइड करो। ऐसा नहीं है मैं तो पबजी खेलता हूं, मैं तो CS:GO, वैलोरेंट, डोटा जो भी खेलता हूं, पर मेरा रोल नहीं पता, मुझे टीम चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे ये चीज सोच रहे हो तो यार फिर भूल जाओ, आपको रोल अपने लिए डिसाइड खुद करना पड़ेगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि जो ज्यादातर टीम मेंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को काफी ज्यादा खोजते हैं कि हमें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा नए प्लेयर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि मुझे कोई नया प्लेयर चाहिए एंड ऑल, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है, ये भी सब भी नहीं है। वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि इसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना टाइम खेला है, कितना टाइम नहीं खेला। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई भी टीम आप ज्वाइन करने जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि आपका KD कितना है, आपने कितना टाइम खेला है, कितने सीजन। पबजी के अंदर ऐसा होता होगा, अगर आपने CS:GO में जाओगे CS:GO में आपकी रैंक पूछेंगे, आपसे आर्स पूछेंगे, एम एंड ऑल ये सब चेक करेंगे। तो उन्हें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए,
चाहिए, उन्हें प्लेयर चाहिए जो काफी ज्यादा ग्राइंड करा हुआ हो। तो आपको भी काफी ज्यादा अपने ऊपर ये चीज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा जब ही आपको कोई ना कोई टीम के अंदर लेगा। आपको ये वाले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये कोई भी नहीं बताएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आपको कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आकर आपको हलवे को दे देगा और ले बेटा खा ले, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा वो हलवा खाने के लिए, और वो डिजर्विंग बनने के लिए तपना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इतना आसान नहीं होता, बहुत ईजी होता है ये चीज बोलना कि मुझे कोई टीम नहीं मिल रही, मुझको टीम दिलवा दो एंड ऑल, बट अपने आप को ग्राइंड करके टीम के अंदर जाना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को समझो। अब ये कुछ बातें हैं जो मैं टीम प्लेयर्स को बोलना चाहता हूं जो एक प्लेयर को खोज रहे हैं और एक प्लेयर को चाहते हैं अपनी टीम के अंदर। हो सकता है एक को ढूंढ रहे हो, हो सकता है दो को ढूंढ रहे हो। आप ऐसे प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दो जो बंदा e-sports के लिए सीरियस है। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। काफी ज्यादा ऐसे बंदे होंगे जिनके पास में टीम होंगी लेकिन वो एक या दो प्लेयर ढूंढ रहे होंगे। तो आप लोगों को हमेशा ऐसे प्लेयर्स पे जाना चाहिए जिनमें डेडिकेशन है, जिनके अंदर है कि भाई मुझको भाई e-sports एथलीट ही बनना है, मुझे तो भाई इस गेम के अंदर प्रो बनना है। काफी ज्यादा बढ़िया खेलने वाले बंदे होंगे, उनको आप जानते भी होंगे, उनको आप टीम में लेने का ट्राई भी कर रहे होंगे, बट हो सकता है वो e-sports में इंटरेस्टेड ही ना हो, हो सकता है वो गेमिंग एज अ करियर में ही इंटरेस्टेड ना हो। तो आप सोचो अगर आप ऐसे बंदों को अपनी टीम के अंदर लोगे तो आपके साथ में क्या होगा। इन दी एंड वो खेलते खेलते बोर हो जाएगा और एक टाइम बाद बोलेगा यार मेरे पास और भी लाइफ के अंदर जो है प्रायोरिटीज है, मेरे को गेमिंग नहीं करनी है, मैं छोड़ रहा हूं। तो आप बीच के अंदर लटक जाओगे। लेकिन एक बंदा जो पैशनेट है वो अपने स्किल्स को बढ़ाता जाएगा। हो सकता है अभी उसके पास स्किल ना हो लेकिन तुम आप लोग उसे गाइड करो और ना हो सकता है वो खुद सीखने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाए और आपके यहाँ आपकी टीम के अंदर एक की प्लेयर बन जाए। तो ज्यादातर ऐसे बंदों पे ज्यादा जाओ जो बंदे करियर ओरिएंटेड है, उन बंदों पे ज्यादा मत जाओ जो स्किल ज्यादा है लेकिन उनके ई स्पोर्ट्स के अंदर पता ही नहीं है कि उनको ई स्पोर्ट्स ऐसा करियर बनाना भी है कि नहीं है। और कुछ कुछ टीम्स ऐसी भी है मैं मानता हूँ कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को ज्यादातर सर्च करती है और इस चक्कर में काफी ज्यादा टूर्नामेंट स्किप कर चुकी है। आप एक बात बताओ आपकी टीम में ऐसा क्या है जो एक्सपीरियंस प्लेयर जो है जिसके पास में एक दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस है वो आपकी टीम में आएगा। मुझे आप एक चीज का एग्जांपल दो, क्या है आपके पास में ऐसा? आपकी टीम क्या कोई टूर्नामेंट जीत चुकी है बहुत बड़ा, या आपकी टीम काफी ज्यादा डोमिनेट कर चुकी है एक टाइम पे? वो क्यों आएगा तुम्हारे पास में, एक चीज खुद बताओ। तो कभी भी एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए कभी भी मत जाया करो, बिकॉज वो आएगा ही नहीं अंटिल एंड अनलेस वो आपका कोई दूर का फ्रेंड हुआ या फ्रेंड का भाई हुआ एंड ऑल, तब आ सकता है। वरना कोई स्ट्रेंजर बंदा जिसको आप अप्रोच करोगे वो आपकी टीम में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब ना के बराबर चांसेस है। अगर वो फ्री में आना चाहेगा तो पैसे में ऑब्वियसली आ जाएगा, लेकिन फ्री में कभी भी नहीं आने वाला वो। तो हमेशा जैसे मैंने आपको बताया किस टाइप के प्लेयर को जाना चाहिए, जो बंदे डेडिकेटेड हो, जो बंदे का है कि भाई मुझे करियर बनाना ही बनाना है। और एक चीज और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बंदा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जितना मर्जी अच्छा खेलता हो, वन मैन आर्मी हो, टॉक्सिक बंदे को कभी भी नहीं लेना, नहीं जीत पाओगे कभी भी। ये मैं अपने है ना 6-7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, नहीं कभी भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा कुछ भी, ठीक है? तो टॉक्सिक बंदे को कभी भी नहीं लेना, हमेशा ऐसे बंदे को लेना है जो बोलते ना नेवर गिव अप वाला, डेडिकेशन परसीवेरेंस, मतलब स्किल ना हो उसके पास में उतने होंगे ऑब्वियसली, पर उतने ना हो जितने तुम्हारे रिक्वायरमेंट हो। लेकिन एक है ना अलग से ज्वाला है ना उसके अंदर, वो ज्वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब सिखा देगी उसको। ऐसे बंदे को तुम्हें सर्च करना है बेसिकली, अपने तरफ से 100% रहना तुम। ऐसा नहीं है कि मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मैं भी ग्राइंड कर रहा हूं एंड ऑल, अपने तरफ से 100% रहो। सामने वाला कभी बोले ना तुम्हारा ये कितना है वो कितना है, कॉन्फिडेंटली भाई ये सब है भाई अच्छा खेलता हूं मैं, टेंशन वाली बात नहीं। कि सामने वाली टीम पे भी इंप्रेशन पड़े कि हाँ भाई ये बंदे को हम लोग टीम में लेंगे तो ये गांड फाड़ देगा सामने वाली टीम की, समझ रहे हो? सामने वाला तुम्हें अपनी टीम में तभी लेगा जब उसको लगेगा कि भाई ये मेरी टीम को स्ट्रांग करेगा। वो एक ऐसे बंदे को लेंगे नहीं जिसको उन्हें कैरी करना पड़ जाए, तो खुद भी ये चीज समझो, ठीक है? जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि डिस्कॉर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा बातचीत से शुरू करा करो। ऐसा नहीं है डायरेक्टली लिख देते हो कि भाई मुझे टीम ये बंदे चाहिए, भाई जो जो इंटरेस्टेड है आ जाओ, ऐसे बंदे कम से कम मिलते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है ये स्पैम करके चला गया एंड ऑल टाइप ये सब। बट तुम्हें बंदों से बातें करनी है, सोशलाइज हो काफी ज्यादा, डिस्कॉर्ड में बात कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जाके थोड़ा सोशलाइज हो काफी ज्यादा। सो ऐसे ही ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो और अपनी टीम बनाने का ट्राई करो। हो सकता है आपको एक टीम ना मिले पर आपको कोई
प्लेयर मिल जाए साथ में, जिसके साथ आप आने वाले टाइम में अच्छी टीम बनाना हो एंड ऑल, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कॉर्ड्स और इन सब सर्वर्स में भी कनेक्ट करके रहना, क्योंकि अब सोशलाइज होने में आपको टूर्नामेंट्स के बारे में ही पता चलता रहेगा यार, तो सोशलाइज काफी ज्यादा होते रहो इन सब चीजों के अंदर। जो काफी बड़ा सोर्स होता है और जो काफी ज्यादा लोग निग्लेक्ट करते हैं वो होता है इन गेम। मतलब आप मानोगे नहीं, गेमिंग ने काफी बढ़िया बढ़िया दोस्त दिए मुझे, जो मेरे रियल में इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं बने वो मेरे गेमिंग के अंदर इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया फ्रेंड्स मिले। जब आपको फ्रेंड्स ही इतने बढ़िया बढ़िया गेमिंग के अंदर मिल सकते हैं तो आपको टीममेट्स क्यों नहीं मिल सकते। जितने भी आप गेम खेलो, सोलो खेल रहे हो, अगर आप सोलो खेल रहे हो, ढूंढो टीममेट्स को भाई, मिलेंगे ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे तुम्हें। देखो ऑब्वियसली बात है, जितनी तुम्हारी है ना धीरे धीरे करके गेमिंग बढ़िया होती चली जाएगी तो तुम लोगों के नजरों में भी आओगे जब खेलोगे, तो हो सकता है कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको टीम बनाना वो सोच रहा हो और आप उसको मिल जाओ, आप दोनों साथ में खेलो, आपकी बॉन्डिंग हो सकता है आप दोनों टीम क्रिएट कर लो यार। तो इस चीज को भी समझो, इन गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इन गेम ही मिलते हैं, तो हमेशा इन गेम में अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहा करो, ठीक है। इन गेम में कभी भी निगलेक्ट मत करा करो कि इन गेम में सारे के सारे चूते आते हैं, नहीं, इन गेम में ज्यादातर चूतियां नहीं आते, चूते आते हैं पर इतने नहीं आते, बढ़िया बढ़िया प्लेयर भी आते हैं वहां पर, तो इन गेम को हमेशा कंसिडर करके रखा करो। उसके बाद है कैफेज। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कैफेज में जाते हैं, ज्यादातर पीसी गेमर्स ही जाते हैं, मैंने मोबाइल गेमर्स का कभी सुना नहीं है, कभी टूर्नामेंट होता है वो तभी जाते हैं, ज्यादातर जाते नहीं है। अगर पीसी गेमर्स को जाना है तो वहां पर जाकर कुछ कुछ प्लेयर्स ज्यादातर कैफेज में भी मिलते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो डुओ में खेल रहे हैं या सोलो खेल रहे हैं और वहां पर जाकर उनको टीम बनानी है पर वो टीम नहीं बना पा रहे बिकॉज उनके जो दोस्त हैं वो काफी दूर रहते हैं या फिर वो अपने एरिया से ज्यादातर बाहर ही नहीं निकलते हैं, हो सकता है फैमिली की वजह से या कुछ भी। तो अगर आपको एक कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकता है गेम में, क्योंकि आप दोनों बैठ के साथ में गेम खेल सकते हो कैफे में, और बोलते हैं ना एक से भले दो, दोनों मिलकर टीम के बारे में डिसाइड कर सकते हो और हो सकता है कि आप एक अच्छी टीम बना लो। तो कैफे के अंदर जाकर भी आप काफी ज्यादा प्लेयर्स को सर्च कर सकते हो। उसके बाद है गेमिंग इवेंट्स। देखो गेमिंग इवेंट्स के अंदर सबसे बढ़िया चीज होती है, गेमिंग इवेंट्स के अंदर आप जा रहे हो, आप वहां पर कम्पीट करते हो, आप बंदों से मिलते हो, आपको पता चलता है कि क्योंकि वहां पर जो गेमिंग इवेंट के अंदर ज्यादातर वो बंदे आते हैं जिनको करियर बनाने या फिर जो गेमिंग के अंदर पागल है, ऐसा कोई कैजुअल गेमर ज्यादातर नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो ज्यादातर रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत देखेगा और निकल जाएगा। लेकिन जो पूरे के पूरे कोर गेमर्स होते हैं वो पूरा टाइम वहां पर रहते हैं, बंदे मतलब देखते हैं बाकी जो प्रो प्लेयर्स हैं वहां पर उनको देखते हैं और एंजॉय करते हैं गेम को, जैसे लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, सारे के सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाते हैं जो कोर गेमर्स होते हैं वो वहां पर उन गेम्स को देख के एंजॉय करते हैं। तो आप वहां पर जाकर उनसे सोशलाइज हो गए, सोशलाइज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूं, सोशलाइज हो, उनसे बात करो, उनसे पता करो कि आप कौन सी गेम खेलते हो कौन सी गेम नहीं। अरे वो खा नहीं जाएंगे कुछ भी, शर्म आने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा पूरा का पूरा। सो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, बट ये नहीं कि मेरे को टीम चाहिए मेरी हेल्प कर दो एंड ऑल, मैंने हेल्प कर दी है, जितने भी सारे लोगों ने मुझे कहा था मैंने ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो तुम लोगों के लिए ही बनाई है। भाई तुम लोगों को शेयर भी करनी पड़ेगी इसको पूरा का पूरा, बिकॉज अगर शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा इस बारे में और तुम लोगों का ही नुकसान होगा, तो शेयर जरूर करना भाई, जितने भी लोग अपने दोस्तों को जानते हो जो गेमिंग खेलते हैं एंड ऑल सबको शेयर करो, जिससे पता चले कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, नीचे ज्वाइन बटन है वहां पर क्लिक करके, जिससे मैं ऐसी वीडियोस हमेशा ही बनाता रहूं, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। सो बस टिल देन, प्ले व्हाटएवर गेम यू वांट एंड स्टे सेफ, बाय।